जे तू ना फड़दा। Satsang, but I don't know, for some reason I'm very nervous because I did it maybe 1.5 years ago. मैं गुरुजी के पास पहली बार अजय जो अब मेरा सन इन लॉ है उसके कारण आई थी कि wanted us to come to गुरुजी's मंदिर निके। मैं spiritually always I have been a spiritual person so I wanted to come but I can admit it today कि I don't think so I was totally devoted to गुरुजी and I came here and believed in Mandir and Guruji, everything 100%. It took us, I would say, till 2017, when I said, yeah, I think I reached where I want, and this is it for us. And not only me, my daughter, my uncle, my son, we were all in, just, it was only Guruji for us. Jis din se hum Guruji ke saath jude, satsang, और उनकी ब्लेसिंग्स और उनके उनकी हर चीज में हमें कृपा दिखने लगे। बट तुम इंसान होते हो तो तुम हर चीज उनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते क्योंकि तुम बोलते हो गया होगा, यू नो, बहुत टाइम से होना था इसलिए हो गया होगा। जरूरी थोड़ी है कि उन्हीं के कारण हुआ, बट ग्रेजुअली वी कुड सी कि जो हो रहा है इट इज नॉट नॉर्म हो रहा है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हो रहा है। I came to this country 2003. मैं आई गई and I was trying very hard कि मुझे H1 और green card मिल जाए। And गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद all of a sudden within 6 months and I get everything and I get my green card without doing anything. वरना मैं lawyer को call कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ और वो बोल रहे हैं कुछ change नहीं हो रहा, status change नहीं हो रहा। I was in a company where, like, I knew that they were taking advantage of me because I was an H1. मैं गुरुजी के जुड़ने के बाद मुझे नहीं मालूम कैसे क्या हुआ। हम क्वींस में थे, हम न्यू जर्सी आ गए। Well, everything changed. But in 2019, मेरा सन भी यहाँ पे आ गया, मेरे हस्बैंड भी जो इंडिया में थे, वो यहाँ पे आ गए। तो पहले हमारी इनकम्प्लीट फैमिली गुरुजी ने 2019 में मेरा सन जिस कंपनी में काम कर रहा था ही वाज वर्किंग ऑन अ स्टेम ओपीडी। 2021 जनवरी तक उसका लास्ट था। कंपनी ने मना कर दिया H1 करने से, ही ज्वाइन अनदर कंपनी। 2021 में उसने एक नई कंपनी ज्वाइन की एंड 2020 में सॉरी ज्वाइन अनदर कंपनी। ही वाज सपोज्ड टू ज्वाइन देम इन जनवरी एंड पहली कंपनी ने उसको जाने नहीं दिया ना। आई सेड तू कोई क्या फर्क पड़ता है, फेब एंड में ज्वाइन कर ले, यू ऑलरेडी सेड यस। सो ही इज वेरी कंफ्यूज, सो ही इज लाइक मैं मंदिर में जा रहा हूँ, घर में छोड़ा सा मंदिर। सो ही मैं वहां पे बैठा, गुरु जी से क्या बात की, बोलता है मॉम आई एम गोइंग टू ज्वाइन देम नेक्स्ट वीक। उसने उनको ज्वाइन किया एंड कंपनी इज क्लोज्ड। अगर उसने उनको उस टाइम पे नहीं ज्वाइन किया होता फॉर श्योर दैट कंपनी वुडंट हैव टेकन बिकॉज़ ही स्टार्टेड टेकिंग एनीबडी। दैट कंपनी नॉट ओनली डिड दिस H1, नाउ सिटस विद दैट कंपनी ही हैज दिस H1 समथिंग दैट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट इज मेरे लिए जैसे ऊपर से मैं तारे तोड़ के ले आई थी। सिद्ध भी है यहाँ पे, उसके पास वर्क परमिट भी है, मेरे पास ग्रीन कार्ड भी है। हिज कृपा डजंट एंड हियर। सबके लिए पिछला साल बहुत क्रेजी था, हमारे लिए क्रेजी था पर शायद सुपर डुपर क्रेजी था, ऊपर से अनफॉरगेटेबल था। माय डॉटर गॉट मैरिड लास्ट ईयर और गुरुजी की कृपा से आई डोंट थिंक सो आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीबॉडी बेटर। शी इज मैरिड टू आई थिंक टू द बेस्ट 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 गाय इन द वर्ल्ड। वी कुडंट होप एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ सन इन लॉ लाइक अजय। वी हैव हवन फैमिली एंड आई डोंट थिंक सो, you know, I know that she is in the best place. So Guruji ki kripa se wo to hua hi, but it is unbelievable how that marriage happened. If somebody wants to know today, I have no words to say how that marriage happened. And I remember ke ek time pe main mandir aayi thi and I think kisi ne mandir to un dino band tha, but I think I met Seema aunty somewhere. She asked me कि कैसे preparations चल रही है। I said when you decided नहीं है
पता नहीं है कौन आएगा कौन नहीं, कुछ भी पता नहीं है. शी सेड एक चीज ध्यान रखना कि अगर लड़की की शादी होती है तो गुरुजी खुद खड़े होके वो शादी कराते. उस शादी में इट वॉज प्लान्ड बाय गुरुजी, एग्जीक्यूटेड बाय गुरुजी, एवरीथिंग इन दैट वेडिंग वॉज डन बाय गुरुजी. ही हैंडल्ड इट ऑल, नन ऑफ अस नो. अगर हमने उसमें कुछ छोटी बहुत प्लानिंग अगर कुछ किया भी था तो दैट डिड हैपन. Anything that we wanted to do or we thought we are doing, nothing happened. Everything that we wanted, he wanted, he planned, it happened his way. 40 days before the wedding, we didn't have the venue. 40 days before the wedding, we did not know ki log kaun aa rahe hain. Uske 3 mahine pehle tak to my uncle was stuck in India. I didn't even know if he is coming. Shaadi pe bhi wo honge, nahi honge, we were all talking about, kar rahe hain, shaadi nahi kar rahe hain, agle saal kar rahe hain, kya kar rahe hain. He did it and he did it as nobody else could plan it. I don't think so. This is something I think people who know me, people who know and who were there for the wedding, they can all say it. And one simple thing that I would like to share. Shadi 40 days pehle hum logon ne October end mein ki jo venue hume mila wo bahar ka tha. We were planning to have bahar ka taki log comfortable ho. तो शादी वाले दिन वो वेदर फॉरकास्ट देख के सब बोले कि उस दिन तो बारिश है, आप बाहर शादी नहीं कर सकते. हम बोले चलो क्लोजर टू द डेट देखेंगे. मैंने अजय की डायट से बात की, मैंने बोला बारिश है, तो भाई साहब ने गुरु जी की तरफ देखा और बोले शादी बाहर की करेंगे हम लोग, बाकी गुरु जी के हाथ में छोड़ दो. डेकोरेशन वाली का सुबह 6 बजे कॉल आया, बोलती है आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, बहुत हैवी रेन है आज, बहुत हैवी रेन है. कोई बात नहीं, मुझे पता है प्लानिंग सारी बाहर के हिसाब से हुई है, पर मेरा दिल दुख पा रहा है, मुझसे नहीं हो रही है बाहर डेकोरेशन, प्लीज आप मुझे अंदर डेकोरेशन कैसे करूंगी, कैसे फ्लावर्स मैनेज करूंगी, कैसे सब कुछ करूंगी, मैं करूंगी. मैंने बोला आपकी बात हुई थी ना अजय के डैड से, बोले हाँ. मैंने उन्होंने क्या बोला आपको, बोले उन्होंने तो यही कहा कि बाहर करो, हमारे गुरु जी सब संभाले. बोले आप बिल्कुल बेधड़क होके बाहर की. शादी हुई, शादी में किसी को यही नहीं समझ आया था कि अक्टूबर है कि सितंबर है. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल वेदर, इट वॉज नॉट कोल्ड, इट वॉज नॉट हॉट, इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज एज इफ कोई कोई ऊपर ना छतरी लेके खड़ा है और इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. शादी एंडेड एट 12 o'clock. अगले दिन मॉर्निंग से लेके नेक्स्ट 10 days इट रेन सो मच, इट रेन सो मच दैट इट वुडंट स्टॉप. इट वॉज लाइक गुरु जी वॉज होल्डिंग ऑल दैट एंड ही वॉज लाइक ओके शादी हो गई, नाउ इट कैन वेट. इट वॉज अनबिलीवेबल. हम लोग बात कर रहे थे कि ये मैरिज है, लोग तैयार होके आते हैं, अगर हम बाहर शादी कर नहीं पा रहे, अंदर कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर है तो मास्क नहीं पहनना चाहते. वेन्यू सारे बोल रहे हम तो अंदर अलाव ही नहीं करेंगे मास्क के बिना. कैसे कहां से पता नहीं, दो वेन्यूज हमें मिलते हैं कि मास्क आपकी मर्जी, आप लोग मास्क पहनो कि नहीं पहनो, इट्स ओके, वी डोंट केयर. वी आर लाइक आर यू श्योर, बोलते हैं हां वी डोंट केयर, यू गाइस यू डोंट हैव टू वेयर अ मास्क, यू गाइस मैनेज, वी डोंट हैव टू वरी, एज लॉन्ग एज समबडी डजंट कम टू आस्क अस वी आर गुड विद इट. आई देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन, यू नो वो एकता कपूर के शोज चलते हैं ना, यू कीप टॉकिंग एंड टॉकिंग, सो आई कैन दिस. There's so much that you can talk about Guruji. There's so much you can talk about. Everything, every day is a variety. After the shadi, after 10 days or something like that, I fell down 10 steps mere ghar pe. Like it was a free fall. I went right into the wall and I broke 2 bones. And my hand was hanging on my hand and I'm like, telling my son, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे कहीं पे भी लेके जाओ. He's like, mom, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा, कल तक का मिलेगा. I said, I don't care, मुझे कहीं लेके जाओ. He takes me to urgent care and that doctor tells me, आपकी सर्जरी ही हो, क्योंकि आपकी बोन टूटने के बाद डिसलोकेट हो, so you, there's nothing else that they can do. Gives me an appointment for surgery. In the meanwhile, he says, also takes an appointment with the doctor, he and Ajit know, and it is for next day in the morning. पर ये अर्जेंट केयर वाला भी एक डॉक्टर बता देता है, तो आई टेल ये डॉक्टर पास में है, इसके पास चले जाते हैं. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वी गो, माय अपॉइंटमेंट इज फॉर सर्जरी. आई वेंट फॉर
for surgery. They took me in for surgery. And that doctor tells me, I'm going to put a cast on. And I'm like looking at her because they don't allow anybody else. As long as it doesn't hurt, I don't care. Do whatever. She puts the cast on. I come back. My sister's in this field. And we also take another doctor's opinion. And he says, you need surgery. And this is your hand. Or aapka haath seedha nahi jud sakta because wo dislocated bone tha. So I am sitting in front of Guruji and I'm saying, mujhe surgery karane mein dar lag raha hai. What should I do? मुझे क्योंकि ये कह लो कि दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, तो मैं सबको आके बोलती, मुझे गुरुजी ने बोला जा ऐश कर, मैं सर्जरी नहीं करा। मैं रात को गुरुजी के मंदिर में मथा टेक के बाहर निकलती हूँ और नथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो रही हूँ और मेरा ये वाला हाथ, दिस इज द वन आई ब्रोक, ये हाथ गुरुजी की मंदिर की दीवार पे बड़ी तेज लगता है, ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के उसको सीधा कर दिया। और मैं इतनी जोर से चीखी एंड आई एम लाइक, एंड मैं बाहर आई है एंड मेरे अंकल पूछे क्या हुआ, अरे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ के एकदम खींच दिया, वो तो कोई था ही नहीं, गुरुजी के मंदिर में से बाहर आ रही है लाइट बंद करके। आई हैव नो आइडिया, आई वेंट फॉर माई एक्सरे एंड द डॉक्टर टेल्स मी योर हैंड इज टोटली फाइन। शी टोल्ड मी टिल 6 months आप कुछ उठा नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे और आपके हाथ को ठीक होते होते 1 साल लग जाएगा। एवरी वीक एवरी 10 days यू हैव टू कम फॉर थेरेपी। एंड सो आई डोंट बिलीव इट, आई डिडंट गो फॉर एनी थेरेपी टिल नाउ एंड आई थिंक आई हैव बीन डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई नो इट्स नॉट 100% बट आई कैन सी इट्स ऑलमोस्ट देयर, इट्स लाइक 2 months नाउ। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स you can keep talking about him, you can keep talking about his chamatkars, you can keep talking about his blessing, but I will say one thing, you have to faith in him. You have to stop thinking and taking a decision and let him decide. You have to believe that his decisions, his whatever he'll do for you, maybe you don't believe in it today, whatever he'll decide for you will be the best. There is nothing else that can be better than what he will do for you. You have to surrender to him. I don't know surrender matlab kya, because mere ko kabhi bhi samajh nahi aaya ki kya maine pura surrender kar diya, kya maine 90% surrender kiya, abhi thoda baki hai. I keep questioning myself. But I think today I am at a stage where I can say, as long as main Guruji ke saath judi bhi hu, as long as उन्होंने मुझे गले से लगाया हुआ है, as long as मैं उनके चरणों में हूँ, I don't think so. I have to think about anything in my life. I don't have to worry about anything in my life because he is there waiting for me. All that I need to do is say thank you to him, tell him to bless me, tell him to guide me, tell him to make me a human being that he wants me to be. But I think the biggest happiness is to be connected to him. Thank you, Guruji. Please always keep me connected, अपने साथ जुड़े रखना, अपने चरणों में रखना और अपने गले से।